हे गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप रियल टीम की कैब ड्राइवर वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या तुम में से कोई जानता मैंने आप सबको एक साथ क्यों बुलाया? जी सर, मुझे पता है आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है, पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ले भोसड़ी के हीरो बनिया, जो बोल लिया वो चुप सुनता रहे। ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। अब तक हमारी कंपनी बहुत डूबी हुई थी, हमसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता था। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना तो दूर, देखना भी कोई पसंद नहीं करता था। हाँ सर, ऐसे मान लो जैसे कुत्ते भी गाड़ियाँ मार रहे थे हमारी। ऐसा भी कुछ नहीं है, हल्का फुल्का तो काम चल ही रहा था। लेकिन मैं आज खुश इसलिए हूँ, हमारी कंपनी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर पहुँच चुकी है। क्या बात, ये सब आपकी मेहनत और हमारी मेहनत है। हमसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ कॉन्टेक्ट करना चाहती है, हमारे प्रोडक्ट खरीदना चाहती है। ये कंपनी कितनी नीचे डूबी हुई थी और आज कितने ऊपर पहुँच गई, ये ऊपर वाले का करम है और हम सबकी मेहनत जो कि कंपनी इतनी ऊपर पहुंच चुकी है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत केशव एंड कार्तिक ने की है। किसी और ने क्यों नहीं बजाई ताली? खुश है, इसी वजह से कंपनी ने आपको 10 दिन का टूर पैकेज दिया है घूमने का। तो जाओ ट्रिप के मजे लो और जल्दी वापस आओ, कंपनी को नंबर वन पर लाना है। केशव यार, हमने अच्छा करा जो कंपनी से पैसे ले लिए, पैकेज में यार मजा नहीं आता, अब हम अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जा सकते हैं। हाँ यार, सही कह रही है तू। क्विट बाय टीम यार, क्या बात। डायरेक्टर भाई आमिर यार, वाओ भाई साहब, क्या धांसू इंट्रो था। टैक्सी चाहिए क्या? आओ आओ, वाली में बैठ लो। हाँ जी, क्या हाल चाल? अरे अपनी वाली खड़ी तो है, आओ बैठो फटाफट। आओ इसमें आ जाओ भाई साहब, फुल एसी है। भाईजान एसी के साथ ठंडा पानी भी है, इसमें आओ। तुम इस वाली में आओ यार, ठंडे पानी के साथ साथ बी एफ ओ भी मिलेंगी, फुल एच डी क्वालिटी। ओ भाई, आओ यार इस वाली में बैठेंगे। कार्तिक भाई, बात बी एफ ओ की नहीं है, बस ये मुझे आदमी अच्छा लग रही है। हाँ हाँ। सुनो, इन सब से 200 रुपए कम दे दियो, आ जाओ। अरे भाईजान इसमें बैठो, 500 रुपए कम लूंगा। अरे तुम इस वाली में आओ यार, पैसे ही नहीं मांगूंगा, जो तुम दोगे वही रख लूंगा। देखो कार्तिक भाई, मैं कह रहा ना, ये आदमी बढ़िया, आओ इनकी में बैठेंगे। बहुत सही। हाँ भाई, उस केस का क्या हुआ जो तूने 2 टूरिस्टों को गाड़ी में बिठा के गाड़ी खंती में घुस दी थी? केस चल रहा, नहीं पड़ गया? ले। अरे वो खंती में थोड़ी घुसी थी गाड़ी मैंने, वो तेरी बहू की टांगों के बीच में घुस गई, लोग उसे खंती समझने लगे। बस रिगम ये चला रही है, कस्टमर को भड़का रही है, चूतिया बना रही है। बैठो तुम, बाड़ो बैठो, देख रहो। बताओ जी भाईजान, क्या हाल चाल है? रहन दो यार, हमें कहाँ बताना चाहोगे गरीबों को, छोड़ो। अच्छा ये तो बता दो, आए कहाँ से हो? रहन दो यार, कहाँ बताने दिल कर रही होगा हम गरीबों को, छोड़ो वही। चुप मातरचोद, बोले चले यारिया, बोलने दे रिया तू मुझे, और तूने अभी तक ये तक का पूछा ना हमसे कहाँ जाना हमें, बस चले यारिया चले यारिया। अबे हाँ यार, ये तो पूछा ही ना जाना कहाँ पे, मैं भी कितना बड़ा चूतिया निकला। यहाँ रोक देता हूँ साइड में खेतों पे, अभी यही बात कर लेंगे पूरी, है ना। आ जाओ जी भाईजान, बाहर को आ जाओ, बातचीत करे लें। अब बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? देखो जी भाई साहब, हम लोग हैं यहाँ पे टूरिस्ट, कंपनी की तरफ से हमें घूमने के लिए 10 दिन का पैकेज मिला था, लेकिन हमने उनसे पैकेज नहीं लिया, हम अपनी मर्जी से यहाँ घूमने आ गए। अब तुम हमें इतनी बेहतरीन बेहतरीन जगह घुमा दो यहाँ की, क्या मजा आ जाए। बहुत तेज नसीब है भाई, छबरे तेरा,
क्या खाया तेरी अम्मा ने जब तू पैदा हुआ तो? क्योंकि बेटे मैं भी नसीब वालों को मिलता हूँ, ऐसा नहीं मिलता हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी ड्राइवर मैं ही तो हूँ। वाह, सबसे बड़ा टैक्सी ड्राइवर। और देखो बात और पजामा जितनी जल्दी खुल जाए इतना ही बढ़िया रहता। रोज का घुमाने का 10,000 रुपए लूंगा, टूल टैक्स पेट्रोल आपका। अबे ओ तू वहाँ पे तो यूँ कह रही है जो हम देंगे वो तू रख लेगा। वो तो मेरे मुंह से निकल गई धोखे से। साले चूतिया समझ दिया हमें, इतने ज्यादा पैसे मांग रही है यहाँ कुला के। वहाँ कुछ और कह रिया था, हम तेरी टैक्सी में जा ही न रहे अब। हाँ तो मत जाओ, जाओ यहाँ से। तो यहाँ क्यों छोड़ लिया, जहाँ से बिठा के लाया वहाँ छोड़ के आ? अच्छा चूतिया दिख रही हूँ, 45 किलोमीटर दूर है बेटे, इतने रुपए का तेल फिर फूकूं भक। अबे बड़ा सुअर है साले, अभी 5 किलोमीटर तू पूरा ना चला होगा, 45 किलोमीटर कर दिया तूने। झूठ ना बोलूं तो 20 किलोमीटर तो है ही है। कितना भी दूर है ना, हम तेरी टैक्सी में नहीं आ रहे। चल बे चल, तू बैग निकाल, दूसरी टैक्सी करेंगे। गए गए कस्टमर। अच्छा सुन, 8,000 रुपए दे दिए पेट्रोल टोल टैक्स तुम्हारा, अब सही है? अब भी महंगा। एक काम कर कुत्ते, तू पैदल ही जा, मैं तुझ पे तरस खा रही है यार, पैदल जाकर कम रेट कर लूं। पर तू पैदल ही जाएगा, अब तुझे मैं भी ना लेके जाऊंगा, भाग यहां से। हाँ तो जा रहे हैं अब, तो भाग यहां से बेंचोद भिखारी साले, आ जा टूरिस्ट। फिर आ गया। सुन 5,000 रुपए दे दिए पेट्रोल मेरा, टूल टैक्स तेरा, अब तो खुश होगा, मजा आ गया अब तो। महंगा आती आती के भोसड़े, आया क्यों है फिर महंगा महंगा कर रही है हर बार, बहन के लोले भाड़ दूंगा बीच में से। क्यों आ रहे, आ जाओ टूरिस्ट बन के भिखारी हो सालो, भाग यहां से पैदल जा। हाँ तो जा तो रहे, तू ही आ जा रही है बार बार। अब तू 1,00,000 रुपए देगा ना इस गाड़ी में बैठने के, तब तुझे ना बिठाऊंगा, पैदल जा, जा यहां से, चल बे आ। बैठ गाड़ी के अंदर बैठ, 5,000 रुपए टोल टैक्स पेट्रोल मेरा, चुपचाप बैठ। अब बहन के भोसड़े सुअर भर दूंगा, 1 घंटे नाटक कर रही है, महंगा महंगा। अबे सब जगह घुमाऊंगा भी, अब कमरा भी मैं ही दिलाऊंगा, सब काम मैं करूंगा, फिर भी बैठ बैठ बैठ, कमरा भी दिलाएंगे सालों तुम्हें, वो घुमाएंगे भी बहन चोदो। वाव मुन्ना ड्राइवर, ओके। वाओ क्या शॉट लिया गया है यार, पहले ही दिन देखो कितनी शानदार जगह लेकर आया हूँ, और ऊपर से आज तो मौसम भी कुछ लंडैत हो रही है। अरे अच्छा बोल दो भैया। वैसे इस किले का नाम क्या है? इस किले का भूरी का किला। क्या? एक सेकंड तुम मुझे 1 सेकंड दो, यहीं रुकी रही है गाड़ी, 1 सेकंड। अरे गार्ड साहब मैं कह रही हूँ ये किसका किला है यार? ये जितेंद्र साहब का किला है। अबे यार हमने तो भूरी का किला बता दिया। अबे यार ये अब सच बता देंगे, एक काम करता हूँ ये जान से मार देता हूँ। अरे अब हो गया ये भूरी का किला। ये क्या मतलब? यार क्या कर रहा हो यहाँ, चलते क्यों ना हो उधर, घूम मैं वहां ढूंढ लिया हूँ तुम्हें यार। तू ही तो क्या क्या गया, 1 सेकंड रुको अभी आ रही हूँ मैं। मेरी इतनी बात माननी है तो चल गाड़ भी दे अभी। अरे साले पागल है क्या, ड्राइवर है ड्राइवर की औकात मेरे, चल किला घुमा। आ तो आ। अबे ड्राइवर चौकीदार तो मरा पड़ा। अबे नहीं भाई सो रिया है, ये मरा हुआ थोड़ी है। अबे तू पुलिस को बुला जल्दी। पुलिस को क्या बोला, अगला आदमी सो रिया है उसकी नींद खराब कर रहा हो तुम, पुलिस बोला भावले हो कौन हो? अबे तो साले इसके सिर में खून भी तो निकल गया, वो देखिए जरा। हाँ। खून नहीं है ये यहाँ के लोग बहुत हरामी है ना, पान खा के थूक गए होंगे इसके ऊपर, खून थोड़ी है। आओ तुम किला देखो यार, और बातें मत छोड़ो। अरे वो बेचारे को मार भी दिया तो चुप चला जा रही है, इस किले के बारे में हमें कुछ बता तो सही। सही बात है। अच्छा ये जो किला है, 500 का नोट है मेरी जान, ये तो काम बढ़िया हो गया। अबे मेरी जिम में से 500 का नोट कहाँ चले गया यार, कब से ढूंढने फिर रही हूँ, यूं ही तो उदास हूँ।
देखिए 500 का ये क्या नोट। हाँ 500 का। अबे तो मेरा ही तो है ये यहाँ गुला। साले तू तो हमारे साथ है बहुत टाइम से, तेरा कहाँ से गिर गया? मैं कल आया ना, कल गिर गया होगा। कल से तो तू हमारे साथ है। यार दे दो मुझे ही, देखिए टोल टैक्स भी मेरा ही, पेट्रोल भी मेरा यार। ले ले भैया तू ही रख लिए 500 रुपए। नौटंकी। अब तुम्हें और शानदार जगह घुमाऊंगा के लिए क्या? इनके कपड़े कितने फनी लग रहे हैं। तो 200 साल पुराना किला है, फिर भी चमक दमक देखो कितनी शानदार है किले की। और ये जो थी भूरी हमारी जिनका किला है, इस वाले एरिया में अपनी सहेलियों के साथ जबरदस्त डांस करती थी। आलू चाट वाला गाना सुना? आलू चाट? अबे आलू चाट गाना ना सुना? गांव की हर शादी में इस गाने की तो माँ चुदा है। क्या? अब भी ना समझे। आलू चाट? हाँ ये सुना, ये सुना। हाँ तो इसमें जो कोरियोग्राफी की है वो पूरी भूरी जी। आलू चाट? क्या कोई? झाटू जब से हमें तू मिला है तब से हमारा चूतिया काटे जा रही है। ये 200 साल पुराना किला बता रही है तू अभी, और गाना अभी का हुआ? भोरी जी ने दिया। अगर दलीलें निकाल लिया ना तो खुद ढूंढ ले किला और खुद घूम ले पूरे एरिया में। जा रही हूँ मैं घर को। अबे सुन, ये झाड़ियाँ कैसे हिल रही हैं? यहाँ पे बहुत सारे बिस्कपड़े और सांप रहते हैं, नेवले भी हैं यहाँ, इन्हें भगाता हूँ, रुक जाओ अभी। क्या गायब है ऐसे? बहुत सही, बिच कपड़े और सांप। ये क्या है? ये कपड़े और सांप? नई बात नहीं है। तुम दिल्ली के किले पे चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, तुम आगरा चले जाओ, आशिक अपनी माँ चुत बातों में मिल ही जाएगा। ये तो ये दीवारों की ऐसी तैसी मार रखी है इन्होंने यार। आओ, हर जगह दिल, उसमें एक तीर घुसा हुआ, जरूर बनाएंगे। ये वाला एरिया वो है जब जब राजा साहब का दुश्मनों से झगड़ा होता था तो गोलियां यहीं से चलती थी। अच्छा बहुत सही। फिलहाल तो कुछ और चल रहा है। कुछ ना कह सकते यार इनसे। और दूसरी जगह दिखाओ। बहुत गंदा राग कर रखा है यहाँ का यार। अब तुम्हें इस पूरे किले की सबसे खूबसूरत तुम एक मिनट यहाँ ही रुको, बाद में दिखाऊंगा तुम्हें जगह, पहले इस मादर चोस से निपट के। हर जगह लगा पड़ा भाई। कहाँ है बे आसिक, तू बाहर निकल जा रहा? तू रुक जरा भी, पहले इसे ही देखता था। बहुत सही। साले दिख मत जाइए, फाड़ दूंगा। एक तो वैसे ट्यूशन के बहाने से आई हूँ। गधे कहीं के हिस्टोरिकल जगह को क्यों बदनाम कर रहे हो? कुछ और जगह नहीं मिली तुम्हें? आओ चल रहे हैं कहीं और घुमा के लाऊं तुम्हें। अरे वो वाली जगह तो दिखा दे जो तू कह रही है कि बहुत खूबसूरत है। खत्म हो गई यार जगह, दिखा तो दी सबकी सब जगह, वैसे ही मैंने उस पर मार फेर दी, वो पुलिस वुलिस बुला लेगा। आओ फटाफट। तुमने मार फेरी? मार खाई? ओए इतना जाम क्यों लगा रखा, गाड़ी हटा फटाफट। आगे झगड़ा हो रही है। अबे तो मैं क्या करूं, साले सबको मारूंगा अभी, गांड मार लूंगा एक एक की। जाके पता मुन्ना भाई आए टैक्सी वाले, फट जाएगी सबकी। ऐसा है धोनी, दोनों पार्टी के हाथ में तलवारें बंदूकें हैं। बहुत सही, चुप करके अंदर बैठ जाओ। हां भाई साहब ऊपर वाले का नाम पे कुछ दे दो। कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया ऊपर वाले के नाम पे? पागल हो गया क्या? अबे साले बच्चा था, 10-5 रुपए दे देता, तूने पूरी 100-100 के नोटों की गड्डी दे दी उसे। अरे यार भाई साहब गरीब की मदद करने से हम कोई भिखारी ना बन जाएंगे, कोई दिक्कत ना, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा कहते हैं जितनी गरीब की मदद करेगा ना इतना तेरे साथ अच्छा होगा। आप भी किया करो। चल जाम खुल गया है कुछ। कुछ तो झोल है। मुझे लग ही रहा था तू पैसे देख कर घबरा जाएगा, तेरे ही बेटे रख ले जा सब। भोसड़ी के रैप्टा मारा ठीक हो जाएगा, चूरन वाले नोटे है। मैंने कहा था कुछ झोल है। बच्चों की बहन के लोड़े कितने चलाक हो गए,
कितनी जल्दी पहचान लिया नकली नोट। अरे भालू, नकली नोट देके कितनी लंबी फेंक रिया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये है और वो है। अबे फेंकने की बात ना, मैं सोच गया बच्चा ही तो है, ये पहचाने का थोड़ी। हां पैसे नहीं है और आजकल के बच्चे तुमसे चार कदम आगे होते हैं, वरना तेरा यहीं खोपड़ा फाड़ दूंगा। अरे भाई साहब, देरी हूं चल उल्टा सीधा की बोल लिया साले, देरी हूं पीछे को तो हो ले थोड़ा सा। ले बेचारा बच्चा। क्या हुआ ये? गाड़ी बंद हो गई और क्या हुआ? कैसे? मैं मुझे क्या पता, चूतिया आदमी, मैं भी तो गाड़ी में ही बैठा हूँ, देखना पड़ेगा क्या हुआ है। ओ शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। लग ही रहा था जिस तरह से इधर उधर देख रहे थे। गर्मी हो रही है, तू इसे ठीक करा के ले आइए, हम इतने किसी से हेल्प लेके होटल की तरफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ। यार यहाँ तो दूर दूर तक गाड़ी ना दिख रही, किससे यहाँ में? अरे वो आ तो रही है गाड़ी। अरे भाई साहब रोक लियो यार, रोक लियो, हेल्प चाहिए यार। हाँ बता। अरे यार भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई यार, थोड़ी आगे तक जाना, छोड़ दोगे क्या यार, हमारी मदद कर दो। आ बैठो फिर। अरे हो गया काम, आ जा। क्या ड्रामा कर रहा हो, कहाँ जा रहा हो? जब तुम्हारी गाड़ी सही है अच्छी खासी, तो उन्हें भाई साहब को क्यों परेशान कर रहा हो? अबे तू तो यूँ कह रही है गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट ही ना हो रही। खाली मूली में स्टार्ट ना हो रही, कौन कह रही है खराब हो गई? नाटक बना रहा हो, देखियो स्टार्ट है। अबे तीन नौटंकी क्यों की? हाँ साले छूटे समझ गया है। हाँ बाला चोट भागे से पिटवा दिया। क्यों बे कुत्ते, जब गाड़ी ठीक थी तो तू ये नाटक करने की जरूरत थी? इतनी गर्मी में मैं सड़वा रही यहाँ पे, और ऊपर से उससे पिटवा दिया तूने, बेइज्जती करवा रही हमारी। चेतने का काम नहीं है, देखो चुम्मा भी दे दिया तुम्हें मैंने, बोर होते हुए आ रहे चुप चुप एकदम। ये तो थोड़ी सी हंसी मजाक करी है, अब हंसी मजाक भी ना करें। ये हंसी मजाक मजाक सूझ रही है। बैठ बैठ गाड़ी में, चल स्टार्ट करके लेके चल। सही में खराब हो गई। बहुत पिटेगा बेटा, बहुत पिटेगा। तेरी समझ में ना आ रही, ज्यादा मजाक ना हो रही है अब? यार इस बार मजाक नहीं कर रही है, ईमानदारी से हो ही ना रही यार आपके स्टार्ट कसम से। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठवा के होटल पहुंचवा रही हूँ, सही है? मैं सही करवा के ले आऊं भाई से, बार को आओ, टेंशन मत लियो तुम, बार को आओ। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. बहुत अच्छी टैक्सी आ रही है वैसे। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control you. वाला लुक बनाया है। आ रही है गाड़ी सामने से, उसे रोकता हूँ मैं, सही है? तुम बैठ के चले जाइए। अरे रोक लिया यार भाई, रोक लिया यार, एक मिनट रोक लियो। कौन हो तुम? अगर तुझे तेरी माँ ने स्कूल में न पढ़ाया होता, मोहल्ले में घुमाया होता, छपरी बनाया होता, तो तुझे हमारी पोजीशन देख के पता चल जाता हम गुंडे हैं। इस मादरचोद ने फंसवा दिया। तू कौन है रे कुत्ते, जिसने मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत की? हर बार गलत हांडी में हाथ डालता है। अगर तू ये जान लेता मैं कौन हूँ, तो मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश न करता। मैं हूँ इस एरिया का कमिश्नर,
शादी वर्दी में आया हूँ जायजा लेने अपने एरिया का। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना इनकाउंटर कर दूँ। कमिश्नर डीके भत्रा? हाँ वो ही हूँ मैं। जिसने अभी एक बदमाश का एनकाउंटर किया है? हाँ अब पहचाना तूने, देखा कितना खतरनाक हूँ मैं। तुझे पता है वो कौन था? कौन था? होगा कोई, मैं करता रहता हूँ ऐसे एनकाउंटर। मेरा भाई। बहुत सही लग गए। सरकार मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कमिश्नर रहा हूँ। ये तो अपने बचाओ में कह दिया, मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ। हाँ हाँ भाई सही कह रही है, पकड़ना भी इसे पकड़ो, हम तो टूरिस्ट हैं, घूमने आए। देखियो यहाँ पे हम भाई, ये साले अपने साथ गेम खेल रहे हैं। इन्होंने अपने भाई को मारा है, इन्हें अड्डे पे लेकर चलो और इन्हें वहाँ खतरनाक मौत देंगे। ए ले भगवान। हो गया तुम्हारा टूर, अच्छा खासा कंपनी पैकेज दे रही थी, नहीं वो नहीं लेने, खुद से घूमने, घूम लो खुद से। अरे तुम टेंशन मत लो यार, कोई दिक्कत की बात ना है, मैंने फंसाया ना मैं ही निकालूंगा। हाँ। ये जो डाकू है ना, ये गलत फहमी है, हम पुलिस वाले हैं, इस चक्कर में तो हमें यहाँ को लिया है। अभी बात क्लियर कर दूंगा इनसे जाके कि भैया पुलिस वाले ना है, पता निकाल लो, ये हमें छोड़ देंगे, तुम अपने घर जाइए। वो डाकू है? अच्छा पुलिस वाले नहीं है या इनकम टैक्स वाले नहीं है? डाकू भले आदमी है, मैंने जज कर लिया इन्हें। कैसे कैसे? एक भी डाकू ने अभी तक मारा ना, वरना डाकू तोड़े हैं कुछ देर। ये बात सही कह रही है। लो तुमने मेरे भाई का एनकाउंटर करा था ना, सबूत। बंद रखो सालो को। हो गई तसल्ली? ये तो अच्छा बेटे, अब भी बच गए हम, वरना डाकू बेल्टों से फेरे हैं, बेल्टों से। ए बस भैया तू रहन दे, वो बेल्ट लेकर भी आ जाएगा अभी। बड़ी काली जवान का है भाई। मत मार भाई। हाय राम, कितनी बुरी तरह मार रहा है भाई। मत तो इन कुत्तों को खाने को, सड़ने दो ऐसे ही। चुप भोसड़ी के, जवान से एक शब्द मत निकालती, जो तू बोल लिया ना वो सच हो रही है काली जवान की। हाँ सही कह रही है ये, तू अपनी जवान मत निकाले बिल्कुल भी साला कुत्ता। अरे अब क्या ऐसा कुछ ना कह रही है यार, बहन के लड़ो, मैं भी तो पिट रही हूँ तुम्हारे साथ साथ, बार बार थोड़ी पिटता रहूंगा, दुख रही है पूरा बदन, पर मैं कह रही हूँ इस पिटने में भी फायदा हो गया अपना, अकेला मार रिया, वरना मैंने सुना गुंडों की पूरी गैंग मारे। हो गया कल्याण। कुत्ता बना दिया, मार मार के क्या हुआ। यार एक बात कहूं यार, देखिए मुझसे रुकना जा रही है यार। कह दूं, देखिए मेरे पीछे 30,000 रुपए पड़े होंगे।
ना है भोसड़े की ये वाली बात सच ना हुई पिटने की हो रही है हर बार। वैसे एक बात बिल्कुल मत कहना कुछ अब। चल बे उन तीनों को बाहर तो निकाल के ला जरा। हाँ बताओ। चलो बे वो रखें कपड़े उन्हें पहनो और नाच गाना करो मेरा मनोरंजन करो। यार अब यही काम रह गया नाच गाना हमसे थोड़ी आवे नाच गाना मेरे उसकी बात ना है। बहुत सही जा भाई जा बाहर देख का कोई है तो नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन। अभी यार मैं सोने के मूड में हूँ। बेवकूफ तू शाम को आ फिर करते हैं बात। तेरी तो बताओ जी भाईजान क्या बात है। मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाले नहीं हो तुम्हें नाजायज फंसाया गया है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काली सूढ़ी हमारी मदद करेगा पहले अपनी तो मदद कर ले। तू तो खुद चमचा सरदार वो है मोटा वाला तू साले चमचा चमचा ही बनकर रह ले। रोटियां तक तो तुम्हें हाथ ना आ रही कई दिन से देख रही हूँ मैं। वो मदद करना चाह रहा है कभी मदद करेंगे भाड़ो। अबे पूछ तो ले क्या पता मदद करी दे। वैसे तू हमारी मदद क्यों करना चाहता। मैं गुंडा नहीं था मैं मजबूरी में गुंडा बना हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराना चाहता हूँ। चाहे इस नेक काम में मेरी जान क्यों चली जावे तुम्हें यहाँ से आजाद करवा के ही रहूंगा। देख रिया यार कितने बड़े आदमी है और मैंने काली किनार भी कह दिया इन्हें और ये हमारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है यार। कितने मादर चोद है यार अब मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। यार कितने बड़े आदमी हो तुम भाई साहब यार मुझे अफसोस है यार मैंने तुम्हें काली किनार गया कसम से। अरे बस कर भाई कितनी बार बोलेगा पर तुम हमें यहाँ से निकालोगे कैसे। मैंने पीछे गेट खोल दिया है मैं साइड में आकर बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा मेरी पूरी गैंग बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ को भागेगी आप पीछे गेट से निकल जाना। ठीक है भाई साहब ठीक है आज तुम्हें देख के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। अरे बस कर रहे यार बहुत बड़े आदमी हो। हाँ चल ठीक है ज्यादा उदास मत हो बॉम्ब फटने की आवाज यहाँ से निकल जाना। हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है तूने एक फरिश्ता भेजा हमारी जान बचाने के लिए। चल बे चल आज कपड़े तू धोगा। अबे चल बे ये मेरे काम ना कपड़े सपड़ों के अपने आप दो कपड़े। तेरे काम ना है। हाँ तेरी अम्मा धोती होंगी ना कपड़े जब बुला के ला वो धोंगी कपड़े। अबे ओ होश में बात कर ले जा कपड़े धो ले कपड़े। ऐसा है ओदे में तुझसे मैं बड़ा हूँ मैं दूंगा तुझे ऑर्डर धो चल चुपचाप कपड़े। अबे ओ ओदे में तू बड़ा होगा लंबाई में तुझसे मैं बड़ा हूँ। साले मुजोरी कर रहा तेरे चूतर फाड़ के खरबूजे की खाप बना दूंगा। मैं भी तेरे चूतर फाड़ के तरबूज की खापे बना दूंगा। चुपो सालो क्या लगा रखा खरबूजे की खाप बना दूंगा तरबूज की खाप बना दूंगा। सालो तुम्हारे चूतड़ है फल फ्रूट की दुकान लाओ मैं दूंगा कपड़े जो सरदार दूलेगा। यार कितनी सुंदर जगह है। नहीं बता दिया दोनों ने सरदार को। बहुत सही बहन के लड़ों को अब भी शर्म ना रही सरदार कपड़े धोरियो ले। हेलो ओके आई एम कमिंग योर प्लेस। चलो
मैंने कहा था ना भाई ये भागने की पूरी कोशिश करेंगे। अबे कितना सुअर है बहन के भोसले, ये मजाक मत करे। कसम से इसने हमें प्लान बताया पूरा, दरवाजा खुला मिलेगा और ऐसे भाग जियो और वैसे भाग जियो। ये नाटक मत करे साली काली की नाली है तू। देख रहे हो भाई कैसे भड़का रही है मेरे खिलाफ ये साले। मुझे मेरी गैंग के खिलाफ भड़काता है और मेरी कैद से भागने की कोशिश कर रहा है। ये पुलिस वाली चाल मेरे साथ मत चल। मैं यार सरदार यकीन कर लो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ये दोनों टूरिस्ट है मेरी टैक्सी में। यार पुलिस वाले ना है हम। हट बहन चो, डालो सालों को कैद में। यार समझ क्या ना दे रहे हैं यार। भाई मैं तेज हो गया हूँ, मेरी सैलरी बढ़ा देना। बड़ा दोगला डाकू निकला यार। सज्जाद एक्सपोर्टर के लड़के को उठा के लेगा, उससे पैसे लेने हैं। सज्जाद एक्सपोर्टर? अब वो तो राजू बदमाश के एरिया में आता है जिससे हम पिट के आए थे। देखा ना कितना बुरा मारा। अगर उसे पता चल गया मैं उसके एरिया में हूँ तो वो तो बीच चौराहे में नंगा करके मारेगा मुझे। अरे इसी डर के चक्कर में तो मैं ना जा रिया। तू टेंशन मत ले, तू हिम्मत रख, तू जा कुछ ना होगा आपके। अच्छा। मैं ना जाने वाला, चाहे नौकरी से निकाल दो अभी। साले डरपोक। अच्छा सुन, मैं इसे पोलार्ड को बुलाता हूँ, इससे बोलूंगा सज्जाद के लौंडे को उठाना, ये काम कर भी लेगा या नहीं। तू एकदम कहना नहीं भाई इसे मत भेजो, इसके बस की नहीं है। फिर वो तैस मा के कहेगा कि भाई मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। वो चला जाएगा और हम दोनों बच भी जाएंगे। हाँ 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 ये सही है। पोलार्ड यहाँ गुआ। सज्जाद के लौंडे को उठा के लाना, ये काम कर लेगा। अरे भाई इसे कहाँ भेज रहे हो, इसके बस की है, ये बच्चा है भाई, अभी हम करेंगे ये काम। हाँ भाई सही कह रही है, ये मैं बच्चा ही हूँ, मेरे बस की ना है, इसे ही भेजो। फंस गए। और करो चालाकी। हाँ भाई तू ज्यादा जिद कर रहा, तू ही जा। ए भाई ये तो अपनी प्लानिंग थी यार। अरे ना तू ही जा। मैं ना जाऊंगा, मैं पहले कह रही हूँ। और तू साले झांटू, तुझमें हिम्मत ना, काय का गुंडा है तू। अबे तो तुझमें भी तो हिम्मत ना है, तू भी तो ना गया, तू चला जा। चुप सालो, उन तीन कैदियों को लेकर आओ, उन्हें भेजेंगे। सुनो बे तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें मेरे भांजे को लेके आना है। मैं अपने भांजे के घर जा नहीं सकता क्योंकि मेरी बहन से मेरी बनती नहीं है और मुझे बहुत दिल कर रहा है अपने भांजे को प्यार करने का, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जाओ और उसे लेके आओ। वही वही, ये तो बहुत बढ़िया मौका मिल गया भागने का। ठीक है हम आपके भांजे को ले आएंगे। क्या नाम है आपके उनका, बहनोई का, भांजे के अब्बा का? सज्जाद एक्सपोर्टर नाम है। ठीक है अभी लाता हूँ, दो मिनट के अंदर अंदर। वे ओ साले अपना आप कुछ ज्यादा चलाक समझ रही है, भागने की पूरी प्लानिंग बना ली। जितने चलाक तुम हो उससे ज्यादा चलाक मैं हूँ। ये पकड़ मेरी कार लेके जा, अब तुम भाग ही नहीं सकते। अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे नाम की रिपोर्ट कर दूंगा कार चोरी की। बहुत सही। शिट यार, मैंने पूरा प्लान बना लिया था भागने का यार, लेकिन साले ने चलाकी खेल दी, चाबी दे दी, चोरी का इल्जाम लगा दे अगर भागे तो। एक काम करते हैं, इनकी चाबी यहीं फेंको और भाग लगा दो सीधी। अरे भाई ये तो चाबी फेंक के भाग गए बाहर सालों को। वाह, अरे कहाँ कहाँ भागोगे, देश विदेश भाग ही रहे हैं। अंतरिक्ष भी नहीं छोड़ा तू भी कंटिन्यू। ओके सो बहुत ही ज्यादा मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो पूरी तरह से खो गई थी इस वीडियो में, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब मैं रियल लाइफ इंसिडेंट देख रही हूँ, है ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। जब वो कैब ड्राइवर्स का बुलाना अपने अपने पास, चाहे कैब ड्राइवर्स हों, चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे मतलब बस वाले हों, ऐसे रिक्शा टेम्पो ये जो होते हैं वो सब, अरे नहीं भाई साहब आप हमारी गाड़ी में बैठो, नहीं भाई साहब आप हमारी रिक्शा में बैठो, है ना, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। और उसके बाद मनमाने जो दाम होते हैं वो भी लेते हैं, है ना, कि अरे नहीं बहन जी इतनी दूर तक आए हैं अब तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये से काम नहीं चलेगा। वैसे वाकई यार 10 रुपये से आजकल की दुनिया में क्या ही चलता है ना। सो
ये पहली बात तो मुझे वो वाला एक जो सीक्वेंस था वो काफी ज्यादा अच्छा लगा, जो 10,000 रुपए में नहीं माने पैदल जा रहे हैं, हम तो पैदल जाएंगे जाओ, फिर 8,000 रुपए में 5,000 में डंडे मार के बिठा रहा कि ना बैठो, बैठोगे कैसे नहीं बैठोगे। और भाई आशिकी हर जगह चल रही है, हर जगह चल रही है ना। और उसके बाद ये गुंडे वाला पार्ट शुरू हुआ है ना, किडनैप हो जाते हैं एक गलत फहमी एक मिसअंडरस्टैंडिंग में। और भाई वो कितना मतलब कितना छलिया बंदा था भाई, कितना ज़्यादा छलिया बंदा कि हाँ उसने बोला कि हाँ मैं भी बहुत गरीब था, ऐसा था वैसा था, मजबूरी में डाकू बन गया, एंड उसके बाद जाओ भाग जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, जा सिमरन जा अपनी ज़िंदगी जी ले, है ना, समथिंग वैसे डायलॉग्स मार के और बेचारों को फंसा दिया सिर्फ इसलिए ताकि उसकी सैलरी बढ़ जाए। वाओ क्या बात है। और सरदार को क्या बेहतरीन फंसाया, नहीं कपड़े धोने के लिए तू धो नहीं तू धो तू धो नहीं तू धो। पहली बात तो यार यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात कर लूँ, ओ माय गॉड इतने अच्छे अच्छे स्पॉट ऑन एंगल्स लिए गए हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंगल्स। जैसे एक पूरा वो किले का पूरा लुक लेना, उसके बाद ब्रिज से जो साइड एंगल बाइक वो सॉरी कार का रुकना, वहाँ से पोज करना, मतलब डे बाय डे वीडियो बाय वीडियो परफेक्शनिस्ट बनते जा रहे हैं टॉप रियल टीम, है ना। जितनी भी अच्छी वीडियो हो जितनी ही अच्छी वीडियो हो स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी होती जा रही है, एक स्टोरी बिल्डअप होती है पूरे, एक इंसिडेंट बिल्डअप होता है पूरी वीडियो में, है ना, और लोगों के बीच केमिस्ट्री अच्छी देखने को मिलती है कि हाँ जो भी एक्टर्स हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा फाइन एक्टिंग करते हैं, अपने अपने रोल में बिल्कुल गढ़ के बिल्कुल एकदम अपने रोल में घुस के एक्टिंग करते हैं, है ना। सो काफ़ी अच्छा लगता है यार वो देखकर और प्रोग्रेस देखकर, क्योंकि हम लोग ने पहले वाली वीडियोस भी देखी हैं टॉप रियल टीम की और उसके बाद अब वाली जब वीडियो देखते हैं तो यार कुछ अलग ही टाइप की फील आती है ना, कि हाँ कितनी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई देती है लाइक यहाँ से एकदम सीधे यहाँ बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़ देखने में। सो ओवरऑल यार माइंड ब्लोइंग वीडियो थी, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग, एंड जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब गुंडे गुंडे लग रहे हैं कुछ और नहीं कि हाँ मतलब ड्रेस कुछ भी पहना दिया, खाली गमछा डाल दिया हो गया गुंडा, तो इस टाइप से नहीं। कैब ड्राइवर है वो भी एकदम जॉली सा है, कैब ड्राइवर को बिल्कुल जॉली दिखाया गया है कि हाँ वो डींगे हाँकने में बहुत ज़्यादा आगे है ना, डींगे हाँकता रहता है और लेकिन उससे कोई काम नहीं होता, और भाई कितनी काली जबान का होगा। जो बोल रहा है वो हो रहा है, हाँ बुरी बातें सारी हो रही हैं, अच्छी बातें कोई सी भी नहीं। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।